हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अपनी जो शेखावटी यूनिवर्सिटी है उसका बीए पार्ट का हिस्ट्री फर्स्ट पेपर। इसमें देखो आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए मॉडल पेपर है तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिवर्सिटी में यही होता है कि एक दो मॉडल पेपर जो पीछे के होते हैं ना, उनमें से क्वेश्चन हर बार रिवाइज होते रहते हैं। मतलब 2-3 साल के पेपर अगर आप पढ़ लेते हो तो उनमें से जो क्वेश्चन होते हैं वो आपकी एग्जाम में पड़ जाते हैं। इसलिए ये पेपर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बता दूँ कि एक पेपर में से जैसे आपके टोटल क्वेश्चन आने वाले हैं तो ये तो है नहीं कि एक पेपर में से आपका सारा का सारा पेपर आपका पड़ जाएगा। इसलिए मैं आपके लिए दो पेपर लेके आऊँगा। जैसे मतलब आपकी हिस्ट्री फर्स्ट है तो इसके मैं दो पेपर डालूंगा और दोनों में से आपके लगभग क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो इसमें देखो आपके जो पेपर आने वाला है उसमें आपका टोटल 100 नंबर का पेपर आएगा और 100 में से आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 50 नंबर का पेपर करना है, जिसके बारे में मैंने पहले वीडियो डाल रखा है कि आपका जो यूनिवर्सिटी का पेपर है पेपर का, तो उसमें क्या है कि आपका 50% ही आपको करना है, सिर्फ और सिर्फ 50% करना है और आपके 100 में से नंबर मिलेंगे। मतलब इसके बारे में मैंने फुल डिटेल से एक वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पर जाके आप देख लेना। और आपका पेपर ये 1.5 घंटे का होगा, ठीक है ना, मतलब 3 घंटे का पेपर नहीं होगा, 1.5 घंटे का होगा। 50% आपको करना है और आपका यूनिट का सिस्टम है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। कोई भी यूनिट से कोई भी क्वेश्चन, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ 50 नंबर के क्वेश्चन करने हैं। आपको कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा के कर दो, बस 50 नंबर के क्वेश्चन करने हैं। तो देखो इसमें बात करता हूं मैं, सबसे पहले स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन आपका पार्ट ए, मतलब इसमें भी कोई फिक्स नहीं है आप कितने करने हैं ना। और उसके लिए मैं आपको बता दूं कि यहां पे आपको कुछ निर्देश दिए हुए मिलेंगे। जैसे मतलब आपका पेपर स्टार्ट होगा ना, वहां पे आप पहले उन निर्देशों को ढंग से पढ़ लेना और उनके अकॉर्डिंग ही आपको पेपर करना है, ठीक है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे आपके स्टार्टिंग में जो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर आपके पास टोटल 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। देखो मुद्रा राक्षस को परिभाषित कीजिए, या फिर आपके श्रुति क्या है, महापदम नंद कौन था, स्यादवाद क्या है, एहोल अभिलेख क्या है, संबोधि से आप क्या समझते हैं, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, किसके काल के दौरान फाहियान भारत आया, नागार्जुन की रस चिकित्सा पर प्रकाश डालिए, चोल सम्राटों के कौन सबसे महान थे, है ना, चोल सम्राटों में कौन सबसे महान थे। तो यहाँ पे देखो आपके पास ये टोटल 10 क्वेश्चन है। अब यहाँ पे दे रखा है कि आपको सभी क्वेश्चनों के उत्तर देने अनिवार्य है, लेकिन आपके लिए जो आपका नया पैटर्न होगा उसके अकॉर्डिंग ये है कि आपको मतलब कोई भी ऐसे क्वेश्चन करने हैं जिनमें आपके 50 नंबर पूरे हो जाएं, चाहे वो छोटे वाले करो बड़े वाले करो, ऐसा कुछ आपका पैटर्न आने वाला है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है ना। उसके बाद देखो आपका जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन आएगा इसमें आपकी उत्तर सीमा कितनी है, 50 शब्द, मतलब लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन है, वो छोटे वाले क्वेश्चन थे, ठीक है ना। अब इसमें देखो आपको स्रोत इतिहास लिखने में कैसे सहायक होते हैं, कतिपय उदाहरण दीजिए, यहाँ पे आपको दे रखा है 5 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन आगे जो पेपर आने वाला है उसका पैटर्न चेंज रहेगा, सिलेबस आपका यही है, तो पेपर में जो निर्देश दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ लेना। उसके बाद देखो भारत में पुरापाषाण काल की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन पर टिप्पणी लिखिए, अशोक के दंभ की अवधारणा की व्याख्या कीजिए, रुद्रदामन प्रथम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, बौद्ध धर्म में धर्मचक्र परिवर्तन क्या था उसके बारे में टिप्पणी लिखनी है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है उसके बारे में लिखना है, गुप्त वंश के इतिहास के स्रोतों का विवेचन करना है, त्रिराज्य संघर्ष त्रिस्तरीय जो संघर्ष था तीन जो वंशों का उसके बारे में लिखना है, चोलों के स्थानीय स्वशासन की विवेचना कीजिए। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं और इनमें से आपको करने हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे आपके जो खंड सेकंड ये है ना, ये पूरी बाध्यता अब खत्म कर दी है यूनिट वाली सारी की सारी, है ना, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ 50 नंबर तक के क्वेश्चन करने हैं, बस आपके पास ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन आपका वर्णनात्मक बड़े क्वेश्चन है ना, यहाँ पे आपको मतलब या तो ऊपर स्टार्टिंग में निर्देश में दिए हुए होंगे कि आपके कितने कितने नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है ना, वरना ये जो क्वेश्चन आएंगे इनके आगे आपको दिया हुआ होगा कि कितने नंबर का ये क्वेश्चन है। अब देखो सिंधु सरस्वती सभ्यता की अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालिए, महावीर स्वामी के जीवन और शिक्षाओं के विषय में आप क्या जानते हैं, उसके बाद देखो मौर्यकालीन इतिहास के मुख्य स्रोतों पर प्रकाश डालिए, पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए, हर्ष का एक विजेता एवं प्रशासक के रूप में मूल्यांकन कीजिए, और चालुक्य शासकों के योगदान को संक्षेप में समझाइए। तो इस तरह का आपका ये पेपर आने वाला है, ठीक है ना, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद मैं एक पेपर और डालने वाला हूँ, यही फर्स्ट जो पार्ट है आपका हिस्ट्री फर्स्ट है, इसका एक पेपर और डालूंगा, तो इन दोनों पेपरों में से आपके लगभग क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो इन क्वेश्चनों को एक बार के लिए देख लेना, क्योंकि ये मतलब रिवाइज यही होते रहते हैं, तो इनको एक बार के लिए देख लेना जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस पेपर की PDF अगर चाहिए आपको तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ जाके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना और वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।